है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, देखिए यहाँ पे लाल बटन है, यहाँ पे दबा दीजिए सब्सक्राइब का। हम अच्छे स्टॉक्स और बुरे स्टॉक्स दोनों के बारे में बताते हैं, तो हमेशा अच्छे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और बुरे स्टॉक्स से आप दूर रखिए, ताकि आपकी मेहनत का पैसा खराब ना सॉरी। आइए चलते हैं, हम आलोक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आलोक इंडस्ट्री का हमने एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने उसमें अलग अलग तरीके से कमेंट्स डाले थे, क्योंकि मैंने लोग कह रहे थे कि मल्टीबैगर क्या होता है और किस तरीके से होता है। देखिए, मल्टीबैगर वो स्टॉक्स होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस आप समझ लीजिए, आयशर मोटर ले लीजिए, वोल्टास ले लीजिए, टाइटन ले लीजिए। ये जो कंपनियाँ हैं, इनका जो काम करने का तरीका है, जो इनका मैनेजमेंट है, तो उसी समय उसमें पोटेंशियल दिखने लगता है। तो भले ही उनकी प्रीमियम, उनका स्टॉक प्राइस या कंपनी का जो मार्केट कैप होता है उस समय छोटा होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे काम इतना अच्छा करते करते, इतना प्रॉफिट कमाते कमाते, अपना एक्सपेंशन करते करते इतनी बड़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार से अभी देखिए, आलोक इंडस्ट्री है, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा कर्ज़ा था, दिवालिया हो गई, फिर मैंने बहुत कर्ज़ा आ गया था, तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैम फाइनेंशियल, मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने इनको जो है टेक ओवर कर लिया। मतलब जो भी कर्ज़ा वर्ज़ा है निपटारा करके NCLT से उन्होंने भी अपनी हरी झंडी दे दी। तो अब जो है, तब से ये स्टॉक भागने लगा ऊपर की ओर, अपर सर्किट लगता गया एवरी डे, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, पहले ये यहाँ पे इसका अभी आज का जो भाव है March 28, 2019 को, और मार्केट क्लोज हो चुकी है, 4.68 रुपये बंद है। NSE पे 5 रुपये पे है इसका जो लास्ट प्राइस। और देखिए, 52 वीक लो था बनाया था इसने 1.5 रुपये का, और हाई था 6.65 रुपये का, है ना। और बाकी चीज़ें तो अभी देखिए, सेंटीमीटर में लोग क्या कह रहे हैं, 82% बाई इट, 16% कह रहे हैं सेल और 2% कह रहे हैं होल्ड। तो पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि जब मैंने एक आलोक इंडस्ट्री पे यहाँ पे वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, गुड इन्फॉर्मेशन और अलग अलग तरीके। एक सज्जन ने तो यहाँ भी कहा था कि इसके शेयर्स हमें मिल नहीं रहे हैं, बाई करो तो पेंडिंग में लग रहे हैं। भाई साहब, आपने एक वीक पहले ट्राई किया था, और एक वीक पहले का मैं आपको एक हिसाब बता दूं, तो एक सप्ताह पहले चूँकि सर्किट लग रहे थे, उस समय सिर्फ बायर्स थे, तो ख़रीदने का मौका आपको नहीं लगा होगा। तो एक वीक पहले एग्जैक्टली 20 तारीख रही होगी, आज है 28, तो देखिए 20 मार्च को 6.35 रुपये, वहाँ से फिर लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ है। और अच्छा किया आपने यहाँ पे ख़रीदा नहीं। अगर आप बाय द वे आपको कभी मिल भी जाते हैं स्टॉक्स, तो लोअर सर्किट लग गया था और आप निकल नहीं पाते, आपका काफ़ी नुकसान भी हो जाता। एनीवेज, देखिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं आलोक इंडस्ट्री। यहाँ एक महीने पहले जो सिचुएशन थी, 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 3.20-3.25 रुपये पे, और यहाँ से जो चढ़ाई इसने की, तो फिर ये बढ़ता ही गया, अपर सर्किट लगते गए उस न्यूज़ आने के बाद। और इसका जो है यहाँ पे 6.35 रुपये का इसने यहाँ पे ऊपर हाई बनाया, और वहाँ से फिर अब जाके ओनली सेलर्स हैं, लोअर सर्किट लग गया है। तो होता क्या है कि ट्रेडर्स, देखिए स्मार्ट ट्रेडर्स जो है इसमें घुस चुके हैं, ऑपरेटर्स घुस चुके हैं, तो अभी मार्केट खुलती है उनका अपना स्मार्टनेस शुरू हो जाता है। तो जो खुदरा ग्राहक हैं, जो वो निकल नहीं पा रहे, वो फंसे हुए हैं, सर्किट लग गए हैं। तो होता क्या है कि देखिए, लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय द वे लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा था यहाँ पे 3.25 में, यहाँ 3 इसके जहाँ जहाँ आपको बाइंग का मौका मिला, तो उस समय जब अपर सर्किट लग रहा था, तब आपका पैसा तो यहाँ पे 4.60 रुपये, 5.30 रुपये, यहाँ पे तो 6 रुपये तक तो डबल ही हो गया था। तो आपको ज़्यादा, आप देखिए लालच क्या होता है कि हमने मान लीजिए 1 लाख लगाया, 2 लाख हो गए, तो आपको निकल जाना चाहिए ना। पहली बात तो मैं बता दूँ कि मैं ऐसे स्टॉक्स को कभी मैं अनुमोदन नहीं करता, मैं अपनी राय देता नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ से ही शेयर के बारे में बताता हूँ, स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए, इवन मुझे कुछ तो मेल आ गए, तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है कि चलो निराश ना हो, लेकिन एक स्ट्रेटजी अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली आप खेलिए। स्मार्टली कैसे, कि एक तो हमेशा अगर मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो ज़्यादा लालच मत करिए। अगर आपको पैसा कुछ यहाँ पे मिलता है, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, है ना। मान लीजिए अगर आपने 3 रुपये पे लिया था, 3.5 रुपये पे, तो 5.5 पे निकल जाते,
₹6 पे निकल जाते, आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल ही था। पर नहीं, अब देखिए लोअर लग गया है। हाँ, अब देखिए नज़र बनाए रखिए, अगर आपको फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिले तो। अब मैं नहीं कह सकता कि ये कहाँ तक इसका लो पे जाएगा, ₹4 पे जाएगा कि ₹3 पे जाएगा या 3 से 4 रुपये के बीच में जाएगा, ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये मार्केट है। या फिर अगर ₹4 से चलो बाइंग आपने ख़रीद लिया अभी के माहौल में, अब अपर सर्किट इसका कब लगता है, तो आगे चल के ये अभी लास्ट टाइम जो 6.35 रुपये पे लोअर सर्किट लगा था, तो जब 6 रुपये से ऊपर क्रॉस करेगा तो कितने पे लोअर सर्किट फिर से लगेगा। ये सब आपको इस पे नज़र बनाए रखनी है, स्मार्टली आपको कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कितना किस समय निकल जाना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ को कभी रिकमेंड नहीं करता आपको, मैं बता के उड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता, अगर मुझे 50-60% भी मिल रहा है तो मैं निकल जाता। हाँ, कुछ लोग हो सकता है इस धोखे से ख़रीद लिए हो कि चलो ये मल्टीबैगर बन जाएगा, मुकेश अंबानी साहब की कंपनी हो गई है अभी, तो ये अभी कहीं ऐसा ना हो कि चलता ही जाए और 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये का स्टॉक हो जाए। होगा, मानता हूँ कि हो भी सकता है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक लंबा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने जो पैसे कर्जा उनका चुकाया है तो उसको कंपनी को लिया, तो अब कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी, कंपनी जब अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो फिर वो ग्रो होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कुछ साल लग जाएंगे, कुछ वक्त लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, ये भी मैं गारंटी नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स पर मेरी वॉच में नहीं रहते, मेरे सुपरविज़न में नहीं रहते। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा स्मार्टली अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ज़रा ध्यान दिया कीजिए, आप लोग का नुकसान ना हो, मेनली पैसा है ना, या अगर यहाँ ऊपर आके फंस गए हो, अब आपको निकलने का ही मौका नहीं मिल रहा है, या आप यहाँ भी लिए रहे होंगे तो अब सोच रहे हैं कि फिर से वो नीचे आ रहा, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ इतना, है ना, फिर से समय आपका गया, पैसा चलो कोई बात नहीं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए इस पर और ऐसा ही करिए। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगा कि बाइंग का क्या, ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि संभल के रहिए ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि कभी भी सर्किट लग जाते हैं इसमें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आज मैं ज़्यादा इसमें फंडामेंटली या कुछ ऐसे रिजल्ट्स या कुछ ऐसा इसमें न्यूज़, कोई ऐसी भारी कोई न्यूज़ भी नहीं है कि मैं आपको बता दूँ, है ना। तो इसमें ट्रेडर्स ही कर रहे हैं अपना गेम, तो ऐसे ही ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, और कमा रहे हैं वो तगड़ा भर रहे हैं पैसा। तो अगर आप लोग, क्योंकि होता क्या है ना कि अब जो खुदरा ग्राहक हैं उनको, उनकी भी नींद हराम हो जाती, कह रहे हमने लगाया होता तो हमको हमारा पैसा डबल हो गया होता। तो डबल तो ठीक है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी किस समय हमें प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट। लालच कभी ज़्यादा हो जाता है तो फिर लोअर सर्किट लग गया, अभी 3.20 रुपये मान लीजिए जिसने लिया हुआ है, वो 6.35 तक गया, चलिए मान लीजिए 50-60% बुक कर लेते, 70-80% डबल भी हो गया था 6 रुपये। तो मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो कहने का तात्पर्य है कि आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ऐसे जो छोटे स्टॉक्स हैं जिन पे ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो ज़रा संभल के करिए। चलिए, मैं आप आज यही वीडियो वाइंड अप करता हूँ, और मेरी किसी प्रकार की इसमें कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंने सिर्फ एक जानकारी दी है जो मैंने चार्ट पे देखा कि अभी एक मंथ में क्या हुआ था, अपर और लोअर सर्किट कैसे लगे थे, वो मैंने बताया आपको। तो थैंक यू दोस्तों।